नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय गढ़वा में साइमन मरांडी जी के निधन पर नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उनके जीवन पर चर्चा किया। जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान ने कहा कि साइमन मरांडी जमीनी स्तर से आंदोलनकारी नेता थे। उन्होंने झारखंड की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था। आजीवन काल तक उन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई को जारी रखा। वह पार्टी सुप्रीमो दिसोम गुरु शिव सोरेन की काफी करीबी थे और पार्टी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। जिला सचिव मनोज ठाकुर ने कहा कि साइमन मरांडी झारखंड आंदोलन में अपना अलग पहचान बनाया था। वह लंबे समय तक जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए दो बार गोड्डा के सांसद तथा विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। झामुमो जिला कमेटी ने उनकी आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। मौके पर वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र चौबे, जिला प्रवक्ता धीरज दुबे, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अंजलि गुप्ता, उपाध्यक्ष विकास कुशवाहा, नूरुल अंसारी, आलम आरा, फुजैल अहमद, तहजीब खान, जफर खान, रमेश मिनहास, वीरेंद्र तिवारी, नीलू सिद्दीकी, सूरज चंद्रवंशी, अजय ठाकुर, अशरफ अहमद, साजिद खान, बैजूराम, आलम खान, उमेश पाल, राजेंद्र गुप्ता, अनुज शर्मा, वीरेंद्र यादव, निरंजन सिंह, शीला तिवारी, रीता देवी आदि लोग शामिल थे।